होला महला सिखां दा कौमी त्यौहार है। ये होली तो वखरा है अते इस दी शुरुआत पिछे उच्चियां सुचियां ते सार्थक कदरां कीमतां छुपियां होईयां ने। दसम पाशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी सिखां दी शख्सियत उसारी लई अगां वधू सोच होला महला दी परंपरा पिछे शक्ति अते प्रेरणा वजों काम करदी है। गुरु साहिबान दा मंतव निरार्थक अते उद्देशहीन मानव शक्ति नूं चढ़दी कला नाल जोड़ के सेहतमंद समाज दी सिरजना करना सी। इस दिशा विच उन्हां ने खालसाई दिहाड़ियां नूं आरंभ कीता। खालसाई त्यौहार होला महला बसंत रुत दे भारतीय त्यौहार होली तो अगले दिन मनाया जांदा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने चेत वधी एक संमत 1757 बिक्रमी सन 1700 नूं श्री आनंदपुर साहिब विखे किला लोहगढ़ दे स्थान ते होले महले दा आरंभ कीता सी। दशमेश पिता जी ने निगर चुके समाज दे दबे कुचले अते लिताड़े जा रहे लोकां नूं स्वैमान ते अपनी होंद दा एहसास करवाउण लई उन्हां विच निडरता अते निरपैता भरन लई 1699 दी विसाखी वाले दिन खालसा पंथ दी स्थापना कीती। होला महला दी रवायत तो स्पष्ट हुंदा है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ विच दलेरी अते अणख भरन लई इस नूं चुनिया। होला महला मौके हर साल लखां संगतां श्री आनंदपुर साहिब विखे नतमस्तक हुंदियां ने। श्री आनंदपुर साहिब विखे तां कई कई दिन संगतां दी आमद बनी रहिंदी है। होला महला वाले दिन श्री आनंदपुर साहिब दी रौनक अते कौमी जलो देखण योग हुंदा है। निहंग सिंह दल महला सजाउण मौके रवायती शस्त्रां नाल भरपूर हो के वड्डी गिनती विच हाजरियां पाड़दे ने अते धार्मिक दीवान सजदे हन। चढ़दी कला ग्रुप दे चेयरमैन पद्म श्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी अते उन्हां दी धर्म पत्नी सरदारनी जसविंदर कौर दर्दी श्री आनंदपुर साहिब विखे मत्था टेकण पहुंचे अते परमात्मा दा शुकराना अदा करन लई तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे नतमस्तक होए। इस मौके उन्हां दे नाल चढ़दी कला ग्रुप दा स्टाफ भी मौजूद रहा। इस मौके तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे जथेदार ते प्रबंधक कमेटी वल्लों सरदार दर्दी अते सरदारनी जसविंदर कौर दर्दी नूं गुरु घर दी बख्शिश सिरोपा साहिब दे के विशेष सम्मान कीता गया। परमात्मा दे चरणां विच नतमस्तक हुंदिया सरदार जगजीत सिंह दर्दी दा कहना सी कि इस पवित्र अस्थान ते नतमस्तक हुंदिया अपने आप नूं वडभागा महसूस कर रहे ने, क्योंकि अज उन्हां ते जो किरपा हुई है उह सच्चे पिता परमात्मा दी देन है, जिस दे लई उह वाहिगुरु दा शुकराना करन लई पहुंचे हन। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਨਾਥਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਨਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਮਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ, ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 1934-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁੱਗਣੀ ਤਰੱਖੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਹਿਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ
एक यादगारी अवार्ड जिहड़ा है वो सरदार जगजीत सिंह दरदी होरां नूं अपने स्थान गुरद्वारा गुरु का बाग छौणी निहंग सिंह आनंदपुर साहब जी विखे उन्होंने भी देना। परमात्मा की कृपा होवे जो भी चंगा कार्य अपने जीवन दे विच करदा है, समाज वास्ते करदा है, पंथ वास्ते करदा है, देश वास्ते करदा है, हर एक दे सन्मान होना जिहड़ा बड़ा जरूरी है और बड़ी माण की गल है कि हिंदुस्तान की सरकार वालों राष्ट्रपति वालों दरदी साहब नूं जिहड़ा पुरस्कार दे के ते इह सन्मानित किया गया और सतगुरु मेहर करन उन्हां नूं चढ़दी कला बख्शिश करन और अगे तों वी समाज दीआं पंथ दीआं सेवावां वो चढ़दी कला विच करदे रहिण। सारी उम्र जो सतगुरु जी ने सेवा करवाई और जिथे खालसा पंथ की सिरजना हुई उस पवित्र स्थान उत्ते जदों सतगुरु जी का शुकराना करन लई आए तो जो मान सन्मान सिंह साहब वालों तखत साहब उत्ते किया गया सरदारनी जसविंदर कौर दरदी का अते दास का, मैं अपने आप नूं खुशकिस्मत समझदा हाँ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के इस पवित्र स्थान जिथे पंज प्यारियां दी चोण करके सतगुरु जी ने खालसा पंथ की सिरजना की सी और सिख कौम का सब तो वड्डा त्यौहार होला महला अज इत्थे जो तो मनाया जा रहा है उस पवित्र तखत साहब उत्ते सिंह साहब ने अरदास करके जिथे सतगुरु जी का शुकराना किया उत्थे सानू अगों लई होर सेवा करन दा समर्था बख्शन वास्ते भी अरदास की, जिस लई मैं सारी कौम का सारे पंथ का धन्यवाद करता हुआ गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शुकराना करता हाँ कि सानू नमाणियां नूं इन्ना माण दे के इन्ना सत्कार दिता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। शुकराना करन लई आए हाँ अज जगजीत सिंह दरदी जो कि मेरे सरदार जी हैं उन्होंने पद्म श्री मिलिया है, सानू दोनों ही पद्म श्री मिलिया है। असी दशमेश पिता जी का लख लख करोड़ करोड़ वार शुकराना करते हाँ जिन्होंने सानू यह माण बख्शा, उन्होंने शुकराना करन तो बिना असी होर कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि साढ़े सब कुछ उही काम। असी उन्हों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हाँ क्योंकि उन्होंने बिना साडा कोई नहीं है। असी होले महल्ले से स्पैशल शुकराना करन लई उन्हां दी आग्या नाल ही इत्थे पहुंचे हाँ ते बहुत बहुत शुकराना करते हाँ, धन्यवाद। सब्सक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी नूं ते लेटेस्ट अपडेट पाउण लई प्रेस करो बेल आइकन।